नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर दो में, निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, यानी प्रत्येक का आपको अर्थ बताना है। तो सबसे पहले आपको दिया है समांतर रेखाएं, दो सीधी रेखाएं जिसमें से कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। बात करूँ आपको तो इस प्रकार से दो सीधी रेखाएं जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर समांतर रेखा के रूप में जानते हैं। दूसरी भाषा में इसको कहे कि ये दोनों समांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी क्या करती है, प्रतिच्छेदित नहीं करती। या फिर मैं यूं कहूं कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करें, वैसी रेखाओं को हम समांतर रेखा के रूप में क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो यहाँ परिभाषा एकदम सिंपल सी दी है, दो सीधी रेखाएँ दिख रही है आपको यहाँ पर जिसमें से कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा के रूप में क्या करते हैं, पहचानते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दूसरी परिभाषा दी है आपको कि दो रेखाओं में, ध्यान समझना, यहाँ पर दो रेखाओं में, ये दो रेखा है, ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा। तो यहाँ पर लिखा है दो रेखाओं में यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 90 अंश का कोण, मतलब यहाँ से सीधी रेखा जाती जाती अचानक कहीं जाकर मुड़ जाए, तो अब वहाँ पर एक जो कोण बनता है तो वो क्या हुआ आपका, ये 90 अंश का कोण बना, यानी समकोण बना। तो लिख रहा है यहाँ पर दो रेखाओं में यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है तो वैसी रेखाओं को हम लंब रेखा के रूप में पहचानते हैं, या फिर वह रेखा है लंब रेखा कहलाती है। तीसरी परिभाषा की बात करूँ यहाँ पर, तो रेखाखंड वह सीधी रेखा जिसके दोनों शिरोबिंदु होते हैं। शिरोबिंदु की बात करें तो ये एक रेखा है, ठीक है, अगर एक साइड है तो इस तरह से किरण हुआ, अगर दोनों तरफ है तो आप बोलेंगे इन्हें रेखा। और रेखाखंड की हम बात करें तो यहाँ पर दो सिरे बिंदु है, जैसे यहाँ बिंदु नाम दिया ए और यहाँ पर बी, तो वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते वह क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। आगे बात करो यहाँ पर, तो वृत्त की त्रिज्या आप सभी जानते ही हैं कि एक वृत्त की हम बात करें तो वृत्त के अंदर जो केंद्र है और केंद्र से वृत्त की जो परिधि तक स्पर्श करे, अर्थात जिसके दो अंत बिंदु हुए, ठीक है, ये केंद्र बिंदु और दूसरा क्या है यहाँ पर परिधि का बिंदु, ठीक है, तो परिधि के बिंदु से लेकर केंद्र के बिंदु की हम बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे त्रिज्या के रूप में पहचानते हैं। क्या कहते हैं, इसे त्रिज्या के रूप में पहचानते हैं, और जिसे हम आर के द्वारा दर्शा भी सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया, वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया वह रेखाखंड जिसके दो अंत बिंदु है उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। आगे बात करता हूँ यहाँ पर वर्ग, तो वर्ग आप सभी देखे हैं, जानते भी हैं, पिछली कक्षाओं पढ़ भी चुके हैं। वर्ग का मतलब यह है कि जिसकी चार भुजा क्या है, चारों भुजा समान हो, ठीक है, और जिसमें प्रत्येक कोण यानी उसके चारों कोण क्या है, समान है, ठीक है, तो ऐसे हम चतुर्भुज को क्या कहेंगे, यहाँ पर वर्ग के रूप में पहचानते हैं। फिर भी एक बार इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, देखो सभी भुजाएं बराबर है चारों के चारों, ठीक है, आगे और सभी कोण समकोण हो, समकोण का मतलब देखो 90 अंश का, 90 अंश का, 90 अंश का, 90 अंश का, ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और सभी कोण क्या है, 90 अंश के कोण पर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग के रूप में कहते हैं या वर्ग के रूप में पहचानते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दो में हमने समांतर रेखा, ठीक है, लंब रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है और वर्ग क्या होता है, इसकी हमने समझ प्राप्त की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही देते हैं, धन्यवाद।